रविंद्र सांगवान जी, मेरे बड़े भाई रघु पवार जी, हमारे जिला अध्यक्ष पीछे बैठे विजय गोड्डा जी जिनकी मेहनत भी अमूल्य है, जितेंद्र भारद्वाज जी, सुरेश जी, भाई अनिल ढोल जी, और जो सबसे ज्यादा मेहनती हैं मुकेश सेठी जी, ईश्वर मान जी, यशवीर धनगर जी, राजेश भारद्वाज जी, हमारे प्रधान जिन्होंने निरंतर विभाणी मेहनत करी, सुहास शर्मा जी, और वैसे तो टीम टीम के नाम लूं, आप सभी हीरे और मोती समान मेरे परिवार के सदस्य हो, मेरे भाई हो, आप लोगों का सबसे पहले मैं विभाणी पहुंचने पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आप सारे काम छोड़ करके आज ये इतनी अमूल्य ड्यूटी निभाने आए हैं। जैसा मेरे से पहले भांगर साहब ने कहा कि 20-25 दिन, महीने दो महीने की तैयारी एक तरफ और 5 घंटे की जिम्मेवारी एक तरफ, वो निभाने आप आए परियोजना का करके आपके जिंदाबाद। साथियों, लंबा चौड़ा भाषण देने की, इधर उधर की बात करने का कोई फायदा नहीं, अब तो कुछ घंटे बचे हैं। मैं गांव गांव गया हूं, मैंने विभाणी के अंदर भी 2017 के अंदर जब रैली हुई थी उसके अंदर के हालात इस इलाके के देखे हैं, मैंने 2018 के हालात भी देखे हैं, मैंने हर रैली के लिए लगभग लगभग गांव गांव जाकर के निमंत्रण और न्योते दिए। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और युवा तो सबसे पहले समझ जाता है कि हवा क्या चल रही है। जितना उत्साह, कितनी उमंग और जितनी ज्यादा इस बात के लिए इंतजार कि 9 की रैली में जाना है, 9 की रैली में जाना है, गांव गांव के अंदर, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो। मैं पत्रकार से बात कर रहा था अभी और मैंने उसको बड़े विश्वास से कहा कि बाकी तो कम बात करेंगे जब लोग यहां होंगे। मैं नहीं कहता कि हम अपने रिकॉर्ड तोड़ देंगे या कुछ हो जाएगा, मगर अगर ये मैदान कल खचा खचे भरा हुआ और साइड में भी लोग हजारों लाखों की संख्या में खड़े हुए, तो हमने जो एक इतिहास रचाया था पांडु भंडारा की धरती में, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम जननायक जनता पार्टी कल करने जा रही है। आज इतना उत्साह है, पिछले लंबे अरसे से कोरोना काल रहा और कारण रहे, और अपनी टीम तो वो टीम है कि भाई काम ना हो और पार्टी घर बिठा ले तो मायूसी आ जाती है, और कहीं ना कहीं बिना काम के यूं लगने लगता है कि शायद हम कमजोर हो गए। अब जब पार्टी ने घेर बदले और लोगों ने चुनौतियां लेनी शुरू करी, पार्टी के नेता फील्ड में उतरे, लोगों के बीच में गए, दुष्यंत जी के किए हुए कामों को बताने का काम किया, 10 सीट में आपका नेता इतना कर सकता है तो 46 सीट दुष्यंत को दे दो, किसी तरह की कोई कसर नहीं आने वाला। लोगों ने इस बात को समझा है, माना है, जाना है। लोग ये कह रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, महिला हो, आज जनजन ये कह रहा है कि हरियाणा में दुष्यंत का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं, लोगों ने दुष्यंत को अगले 40 साल का सेवक मान लिया है यहां पर युवा साथियों। ऐसे में कल की रैली आई है और लोगों ने अपनी तैयारी कर ली। मैं भांगड़ साहब को कह रहा था, भांगड़ साहब जाम लग जाएंगे शहर में रैली ना करो, बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी, मगर भांगड़ साहब नहीं माने। दुष्यंत जी ने भी कहा, मगर इन्होंने बड़े होने का अधिकार जमाते हुए कहा, रैली तो भिवानी के बीच में होगी और ऐसी होगी जो याद रहेगी आने वाले दर्शकों तक। तो मैंने कहा, जी फिर इसकी ट्रैफिक की व्यवस्था
तुम्हारे भी ट्रैफिक की व्यवस्था तुम जानो, तुम्हारा काम जाने रैली भिवानी के बीच में होगी। तो भाई ये अब हमारे पे रविंदर जी पे बोझ आ गया, आप पे बोझ आ गया, तो हमने बाहर कोई चीजें खाली कराके ऊपर में रैली करनी थी, मगर इनकी सोच अच्छी थी, बाहर रैली होती तो सिर्फ एक रास्ता होता, अगर उस एक रास्ते पर जाम लग जाता तो फिर आने जाने की व्यवस्था ठप हो जाती। इनकी सोच अच्छी थी कि शहर के बीच में रैली होगी तो आसपास के लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, शहर के बीच में रैली होगी तो शहर के लोग देखेंगे, दुकानों में लोग चर्चा करेंगे, घरों में लोग बैठ करके चर्चा करेंगे, और भिवानी को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है, हर घर के अंदर राजनीति की चर्चा होगी। साथियों इसका बड़ा संदेश है हरियाणा में जाने वाला, जहां मीडिया में होगी वहां घर घर बचा बचा कर इस बात की चर्चा करेगा भिवानी की रैली। मगर ये लोड अब सारा का सारा भाई अपने पे आ गया है, जितने भाई बैठे, क्योंकि शहर के बीच में अलग अलग पॉइंट हैं और बड़े क्रिटिकल पॉइंट हैं। अगर मैं शुरू करूं, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है बस अड्डे का इलाका, क्योंकि वहां पे इसको कहते हैं बॉटल नेक, बॉटल नीचे से चौड़ी होती है, उसका मुंह आगे जाकर के पतला हो जाता है, ये बॉटल नेक है, सारा ट्रैफिक उस तरफ का उस पर आए, और वो वहां अगर ये व्यवस्था थोड़ी भी कायम हो गई, कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, तो बहुत बड़ा जाम लगने की आशंका है, बहुत बड़ा जाम। आपकी सफलता उस पर टिकी, उसके बाद वहीं से सीधा छोटा बाईपास निकल रहा है बस स्टैंड के, आपने देखा वो भी बहुत क्रिटिकल है, बाईपास नाम का है, इतनी छोटी सड़क नहीं है, सारे साधन, क्योंकि इस रैली के ऊपर 152 डी इस रैली की लाइफलाइन है, सारा ट्रैफिक 152 डी से, सारा ट्रैफिक 152 डी से, और वो सारा ट्रैफिक वहां से होता हुआ इधर पीछे से होता हुआ आपकी रैली की तरफ आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, वो भी बहुत क्रिटिकल है, वो है चौधरी देवीलाल सदन के सामने महाराजा अग्रसेन की जो मूर्ति लगी है, वो तो बहुत क्रिटिकल है, मेन चौक है, शहर का भी ट्रैफिक होगा, दूसरे भी ट्रैफिक होंगे, अगर उस पर जाम लग गया तो हमारे लिए बड़ी चौक। उसके बाद साथियों उससे पहले पुल पार चले जाए दादरी रोड की तरफ, वहां कैंची बनती पुल उतरता है, लोहार रोड है, दादरी रोड है, पहले वहां चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा है, वहां कैंची बनती है, वो बड़ा क्रिटिकल है। उसके बाद यहां पुल उतरता है, वहां भी कैंची बनती है, वो भी बहुत क्रिटिकल है, आपके नोट करने की चीज है, उधर पीछे से सारा ट्रैफिक आएगा, इधर से ट्रैफिक आएगा, और ये जो आपका मोड़ है भाई, नाम तो मुझे नहीं पता, पर यहां ये हॉस्पिटल का कोना है, चंद्रशेखर चौक है, ये भी बड़ा क्रिटिकल है। इधर महाराणा प्रताप का स्टैच्यू वगैरह है, ये भी बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, हाथी के जिसको कहते हैं, और उसके साथ साथ ये जो सारा इलाका है सबसे ज्यादा निचोड़ इस पे हुआ, ये जो आपके सामने चौक है भगत सिंह चौक, और ऐसे ही पीछे चले जाए सेठ शाहजुराम चौक है, यहां भी बड़ी आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी। और मैं जो सबसे चिंतित हूं वो हूं मुढ़ाड़ से लेकर के रैली तक पहुंचने के रास्ते को लेकर के, क्योंकि रास्ता सीधा रास्ता बंद है भाई धनाड़ा वाला, तो आपको दो रस्ते हैं, या तो तालू होके आना पड़े, या मैम जाकर के वाया बड़ीसा होते हुए धनाड़ा होकर के आना पड़े। अब डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि हम तालू वाले रस्ते को ज्यादा उपयोग में नहीं लेंगे, लास्ट चॉइस है, अगर बिल्कुल ही उधर से आपके पास इंफॉर्मेशन आए भाई वहां नहीं बात बन पा रही तो ही हम इसको यूज करेंगे, नहीं तो हम सारे जीत के नारनौल हल्के के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर करके महम ले जाएंगे, महम ले जाकर के सीधा बड़ेसा रोड पर आगे चढ़ा करके धनाड़ा लाकर सीसर, सीसर पहले आएगा, सीसर कोई चांग नहीं आएगा, चांग से किया है, सीसर से करते हैं, सीसर से राइट उठ जाओगे आप ना, बहुत बीच में घूमना करोगे,
सीधर से राइट मुड़ोगे, बड़ेसा से धड़ा धड़ा से लेफ्ट लेकर के आप इस रोड पे आ जाओगे सिंगाड़ा होते हुए यहां, और वहां जहां ये रास्ता मिलेगा तो हांसी का भी ट्रैफिक उस पे आएगा। ये भाई लोड जो है ये 10 बजे के बाद और 12-12:30 बजे तक ये बहुत ज्यादा लोड इस टाइम पे होगा सारा का सारा, और जाम लगने की। और भाई अपनी तो टांग खींचनी है बहुत है, ध्यान रखियो कोई ट्रैक्टर आया पाओगा, कहीं कोई ट्रैली खराब हो जाएगी किसी की, कई नाकाम लोगों ने और बहुत साजिशें रच रखी होंगी, मगर मुझे पूरा विश्वास है रविंद्र सांगवान आपकी टीम पर कि ये साथी चाहे हाथ से उठा करके ट्राली को साइड में करना पड़े, नौजवान युवा साथी दुष्यंत चौटाला की टीम का पीछे नहीं हटेगा। हर जगह क्रेन की व्यवस्था है, आपने क्रेन ले जाकर उस सारे के सारी व्यवस्था को दुरुस्त करवाना है। वहीं आपने पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था की है मैं आपको उसके लिए बधाई देता हूं कि पहली बार ऐसा है कि बाइक पर कहीं भी जाम लग जाए तो उसके आगे वो व्यवस्था है। और क्रेन की व्यवस्था भी हमने ऐसी जगह करी है जहां जाम लगने के चांस है, जैसे चौक है तो चौक से रैली की तरफ कराई है कि आगे से जाकर उसको दुरुस्त। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था आप लोगों ने कायम की, अब तो वाइट ड्यूटी निभाने की बात। मैंने जैसा कहा 100 का तोड़ ये है कि प्रतिष्ठा की रैली है, प्रतिष्ठा की रैली है युवा साथियों, प्रतिष्ठा की रैली है, भूल मत जाइए ये लालच मत कर लियो कि मैं रैली में चला जाऊं, मैं भी जाकर के भाषण सुनूं। आपके हाथ में दारोमदार है अपने भविष्य को लिखने का, जेजेपी के भविष्य को लिखने का, दुष्यंत चौटाला के 2024 आज इस बात की शपथ लो कि एक एक मजबूत साथी अपने पॉइंट पर खड़ा रह करके पूरी रैली भुगतवाने का काम करेगा। करोगे कि नहीं करोगे? शपथ लेंगे तो दोनों हाथ खड़े करके विश्वास करो कि इसके अंदर कोई कोताही ना आ जाए। और मैं ये आपको वादा देता हूं कि आपके इस समर्पण को, आपकी इस मेहनत को भाई दुष्यंत कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे साथियों। इस रैली को लंबे समय तक याद किया जाएगा, आने वाले राजनीति के अंदर एक मील का पत्थर इस मेला ग्राउंड में कल स्थापित होने जा रहा है साथियों, आपके याद करेंगे। कहीं कोई संकोच ना करते हुए अपनी ड्यूटी को सुबह से संभाल करके इस रैली को कामयाब बनाना है। और मैं माइक पर चाहे आप यहां से दूर हो, मैं एक एक साथी का नाम लेकर के उनका धन्यवाद करूंगा कि कितनी मेहनत वो उस पॉइंट पर कर रहे हैं, कितनी बहुत मेहनत कर रहे हो। तो ये मत समझो कि आपकी हाजिरी रैली नहीं होगी, जो यहां होंगे या जो मंच पे होंगे उससे ज्यादा हाजिरी आप लोगों की यहां पर होगी। रोहतक पानीपत, रोहतक रोड पानीपत, पानीपत जिले को दीपू आपको और जयदेव दोनों, जींद रोड ये जो है नू वाले भाई हमारे वसीम, हाँ रुपान खान और वसीम आपको दिया है, ये बहुत जरूरी है आपकी, सबसे मेहनत आपकी लगेगी। आंसी रोड हिसार जो रोड है वो यमुनानगर वाली, रवि चौधरी जी ये भी बड़ी जरूरी रोड है, आपको ड्यूटी बहुत यहां पे जो है ना ध्यान से निभानी पड़ेगी। दादरी रोड सिरसा जिले को दिया है, सिरसा वाली दीपक शर्मा जी और नितिन जी, ठीक है जी। मेन रोड पंचुला दीपक गुजर और ये सारे इसको वाली टीम, हाँ बिल्कुल ये भी क्रिटिकल रोड है भाई। मेन रोड जो है इस पे लोड बहुत ज्यादा होगा, आपको गौर करना है, वहीं से सारा ट्रैफिक आना है, वहीं समझाना है। श्याम रोड पलवल को ब्रिजेश भाई, ब्रिजेश जी कहाँ है? आए नहीं अभी, बता दे रहा हूँ। लोहारू रोड अम्बाड़ा को जसदीप, वो भी रस्ते में कुछ भाई लेट हो गए होंगे, ये आ भी कुछ साथी आ भी गए भाई। तो साथियों
ये आपकी ड्यूटियां लगाई हैं, बाकी ड्यूटियां प्रधान जी आपकी लगा देंगे। आपके लिए ट्रैक सूट की व्यवस्था की गई है, रिसर्च भी व्यवस्था की गई है, जिससे सभी ट्रैफिक को ये पता चले कि ये ऑथराइज वॉलेंटियर है। नहीं तो कहीं कोई मेरे जैसा खड़ा होकर इधर का हाथ दे देगा, कोई कहीं और डायरेक्शन का हाथ दे देगा। भाई मैं बता रहा हूं, आप सतर्क रहे इस बात के लिए, कईयों के पेट में दर्द है, हुड्डा जी के है, उनके बेटा जी के है, यहां की मैडम जी के है, सुरजेवाला जी के है, और अपनी पुरानी पार्टी वालों के है। भाई ज्यादा बड़ा तो उनके तो कल कोई कोताही किसी तरह की भाई नहीं आनी चाहिए, नहीं आने दोगे ना? क्या बात, ठंड करके धीरे बोलो हो कि कोई और कौन सा डायलॉग था, हाउस द जोश। हाई सर, तो ये बागर साहब को करा दो, हाउस द जोश। ठीक है जी, कल की रैली कामयाब हो। कोई भी साथी है भाई बिना ड्यूटी लिए मत आए, जिस जिस रूप में आए हो, आपका प्रधान मेहनती प्रधान नंबर बनी। सबका सबका भिवानी में स्वागत है, जोरदार तालियां बजाएं। हम आपका स्वागत करते हैं और सभी साथी अपनी अपनी ड्यूटी लेकर के जाएं, उसको निभाएं, कल की रैली कामयाब करें। मछली की आंख और अर्जुन का तीर, सुषेण चौटाला हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री हो, उस दिशा में आगे अपने कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय 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 चौधरी जय भारत।